महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ गठबंधन टूटने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए समस्याएं बाकी राज्यों में अभी भी जारी हैं। झारखंड, जहां की जल्दी ही विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, वहां लोक जनशक्ति पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने घोषणा कर दी है कि वो इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। वहीं पे AJSU यानी कि ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन, जो कि भारतीय जनता पार्टी की पुरानी सहयोगी है, जब से झारखंड बना है लगभग 19 सालों से ये दोनों दल सहयोगी दल रहे हैं, लेकिन इस बार विधानसभा चुनावों में सीट शेयरिंग को लेकर के समझौता अभी तक नहीं हो पाया है। ऐसे में जहां पर लोहरदगा उन सीटों में से था जिसपे कि AJSU अपना उम्मीदवार उतारना चाहती थी, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने आधिकारिक रूप से घोषणा कर दी कि कांग्रेस से कुछ दिन पहले भाजपा में आए सुखदेव भगत वहां से भाजपा की तरफ से चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में अभी तक भाजपा और AJSU ने अलग अलग रास्ते जाने की घोषणा नहीं की है। अभी तक गठबंधन के टूटने की औपचारिक रूप से कोई घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि खुद सीटों पे भाजपा और AJSU के बीच में फ्रेंडली फाइट हो सकती है। वहीं पे हुसैनाबाद सीट, जिसका कि पहले चरण में मतदान होना है, उस सीट को लेकर के भी मतभेद था। इस सीट पे भाजपा ने कोई भी उम्मीदवार खड़ा नहीं किया है। ऐसे में जबकि भाजपा का टारगेट है 81 सदस्यों की झारखंड विधानसभा में 65 का, इस तरह से बिखरा हुआ गठबंधन किस प्रकार के परिणाम ला पाएगा ये तो वक्त ही बताएगा, पर फिलहाल भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कम से कम 8 रैलियां होंगी झारखंड में। झारखंड जो कि एक आदिवासी बहुल राज्य है, लगभग 26% जनसंख्या आदिवासी है, वहाँ पर सूत्रों के अनुसार पलामू जो कि एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है, वहाँ से प्रधानमंत्री अपनी रैलियों की शुरुआत कर सकते हैं। ऐसे में झारखंड के चुनाव का परिणाम क्या होगा ये देखना बाकी है, लेकिन भाजपा को भी ये पता है कि ये लड़ाई इतनी आसान नहीं होने वाली है। अंजलि ओझा, गो न्यूज़।